मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अपने मौज के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए सबसे महंगे होटल्स में सबसे महंगे कमरों में केजरीवाल जी रहे हैं तीन लाख से आठ लाख का कमरा और पचास दिन की एवरेज निकालेंगे अगर आप तो आप देखेंगे कि करीब डेढ़ करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया जो है सीधे सीधे पचास दिन में सिर्फ रहने के लिए दिल्ली वालों का दिल्ली की जनता का पैसा आम आदमी पार्टी जी ने बाकायदा लुटाया है ऑटो से चलने वाला वैगन आर में चल से चलने वाला अब बन गया है शीश महल के सुल्तान साहब यही सोच रहा है दिल्ली का वोटर की सोचता था, था कि कितने मासूम है क्या से क्या हो गए देखते देखते ये केजरीवाल हैं जो घूमते हैं ऑटो में ये देखिए और कुछ ऐसे कागजात है मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अपने मौज के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार के पैसे पर गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक और पंजाब में सबसे महंगे होटल्स में सबसे महंगे कमरों में केजरीवाल जी रहे हैं सोचिए प्रेसिडेंशियल स्वीट हो महाराजा स्वीट हो महारानी स्वीट हो इम्पीरियल स्वीट हो जिसका खर्चा दो तीन लाख से लेकर सात लाख तक होता है आप सब जानते हैं कि होटल्स में जब सीजन होता है और से इलेक्शंस का वक्त होता है कितने महंगे होते हैं और ये सब बाकायदा कहते हैं और आप देखिए ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ डेली डेली सेक्रेटेरिएट टूअर ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेली पंजाब पंजाब में जो हाँ पे उनकी सरकार है जहां पे गेस्ट हाउस में रह सकते हैं लेकिन नहीं गेस्ट हाउस में नहीं रहना है रहना कहाँ है रहना आपको सबसे महंगा जो वहां पे होटल है वहां पर वो भी प्रेसिडेंशियल स्वीट में विभव के लिए कमरा होता है एक इनके लिए कमरा होता है ये बुकिंग कैस कौन करता है दिल्ली टूरिज्म को प्रमोट करने वाली जो बॉडी है वो करती है तो सोचिए जब गोवा जाते हैं तो गोवा में भी उनको एग्जीक्यूटिव स्वीट चाहिए और वो भी बेस्ट होटल में और बाकायदा लिखते हैं वो कि आपके यहां जो सबसे महंगा स्वीट हो मैंने एवरेज निकाली अगर आप देखिए अगर चलिए कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा ले अगर तीन लाख से आठ लाख का, का कमरा और पचास दिन की एवरेज निकालेंगे अगर आप तो आप देखेंगे कि करीब डेढ़ करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया जो है सीधे सीधे पचास दिन में सिर्फ रहने के लिए दिल्ली वालों का दिल्ली की जनता का पैसा आम आदमी पार्टी जी ने बाकायदा लुटाया है और आप देखिए कहानी झाड़ फानूस और पर्दों और इलेक्ट्रिक सेंसर और जकूजी से आगे बढ़ गई है ये बरकर जी और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और कारनामे आप यकीन नहीं करेंगे कि हर जगह या तो चार्टर्ड उनका प्लेन होता है उसके खर्चे का मुझे डिटेल्स मालूम नहीं लेकिन इनको अपने और अपने साथियों के लिए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट चाहिए ये कौन इसकी भरपाई कर रहा है है वो आम आदमी पार्टी वही ढीली ढाली शर्ट पहने हुए शर्ट उनकी पैंट के बाहर हवाई चप्पल पहने हुए वो भी गणतंत्र दिवस के दिन प्लास्टिक का पेन डाले हुए अपनी जेब में ऑटो से चलने वाला वैगन आर में चल से चलने वाला अब बन गया है शीश महल के सुल्तान साहब और आप ये सोचिए मतलब हद होती है मैं आंदोलन में थी और हम लोग चादर लेके जाते थे चंदा मांगते थे और कौन चंदा देता था ऑटो वाले सब्जी वाले रेड़ी पट्टी वाले शर्म आती है और यही सोच रहा है दिल्ली का वोटर की सोचता था, था कि कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते ये सारे प्रमाण है आप देखिएगा चाहे वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो या गोवा या हो या फिर गुजरात हो करीब 20 दिन के मैं निकाल के लाई हूं और आपको मैं बता दूं कि करीब 60 और इनके जो टूर्स रहे हैं वो हैं और कितनी शर्म की बात है कि डी पे बुकिंग भी कराते हैं एयर टिकट से और प्रेसिडेंशियल स्वीट ता स्वर्ण इट इज डिजायर डेट अ प्रेसिडेंशियल स्वीट फॉर द स्टे ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेली इन अ होटल इन अमृतसर प्रेफरेबली इन होटल ता स्वर्ण अमृतसर फॉर वन रूम विथ मील फॉर श्री विभव कुमार एंड फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग इज प्रेजेंट विजिट टू पंजाब यानी कि कितने गेस्ट हाउस है ये इंसान जो गरीब बनने की नौटंकी करता था किस तरह से बार बार और कई बार फिर से ठग रहा है लोगों को और आंखों में धूल झोंक रहा है